सो स्टोरी है 14 ऐसे प्रिंस के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और फेमस हैं, जिनका बस एक ही ड्रीम है द थ्रोन ऑफ ग्लोरी को जीतना। मतलब किस स्टोरी में हमें दिखाया जाएगा कि कैसे 14 प्रिंस एक बैटल के थ्रू द थ्रोन ऑफ ग्लोरी को जीतते हैं। एंड साथ ही इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस स्टोरी के सभी मेल कैरेक्टर्स एक ही लड़की के साथ फॉल इन लव हो जाते हैं, जो कि हमें काफी गरीब दिखाई गई है। तो फिर बिना देरी के चलिए स्टोरी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है कनादे, जो कि सभी प्रिंस में सबसे ज्यादा रिच है। मतलब कि कनादे के पास वो सब है जो एक प्रिंस के पास होना चाहिए, हाई स्टेटस, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे सर्वेंट्स, मिनिस्टर्स और भी बहुत कुछ। बट इतना सब होने के बाद भी कनादे में किसी चीज का घमंड नहीं, मतलब कि उसका नेचर बिल्कुल डाउन टू अर्थ है और वो सभी के साथ फ्रेंडली भी है एंड सभी गर्ल्स की बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। ऐसे ही जब एक सर्वेंट कनादे के सामने कोई मिस्टेक करने ही वाली होती है, बट कनादे उसे कुछ नहीं बोलता बल्कि उस सर्वेंट की हेल्प करवाता है। और फिर जब वो अपने घर के अंदर आता है तो वहाँ भी एक सर्वेंट कनादे की सुंदरता देख नीचे गिर जाती है। तो फिर कनादे उस सर्वेंट को अपने हाथों में उठाकर उसको उसके रूम तक छोड़ के आता है, जिसे ऐसा करते देख बाकी सब सर्वेंट्स भी कनादे से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती हैं। जिसके बाद फिर हमें कनादे के दो मिनिस्टर्स के बारे में बताया जाता है, जो कि हर वक्त कनादे के साथ ही रहते हैं, जिसमें से एक का नाम है शिचारो, जो कि कनादे के साथ बचपन से है। मतलब कि ये कनादे का राइट हैंड है, जो कि कनादे को हमेशा अच्छी एडवाइस ही देता है। एंड सेकंड मिनिस्टर का नाम है जैन, जो कि नेचर वाइज अच्छा है, मतलब कि ये भी कनादे को हमेशा अच्छी ही एडवाइस देता है, बट ये कनादे का लेफ्ट हैंड है, मतलब कि इसकी पोजीशन शिचारो से कम है। वेल, अब हम देखते हैं कि कनादे अपनी मॉम की फोटो को देखते हुए उनसे बातें करने लग जाता है, क्योंकि कनादे की मॉम इस दुनिया में नहीं। कि तभी एक सर्वेंट कनादे को आकर बताता है कि आपके डैड आपसे बात करना चाहते हैं। तो फिर कनादे अपने डैड से बात करने के लिए आता है, जहाँ कनादे के डैड कनादे से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद उसको अपने फर्स्ट लव के बारे में बताने लग जाते हैं कि जब वो भी कनादे की उम्र के थे तो तब एक लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, जिसका नाम नजुको था, जो कि उनका फर्स्ट लव थी। बट कुछ रीजंस की वजह से वो नजुको से शादी नहीं कर पाए। तो ये जानकर कनादे हैरान होता है और फिर वो आगे बताते हैं कि पर अब जब मैंने नजुको के बारे में पता लगवाया तो मुझे पता चला कि नजुको को मरे हुए भी 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये सुन कनादे काफी हैरान होता है। एंड देन कनादे के डैड बोलते हैं कि पर नजुको की एक बेटी है जिसका नाम है कैरी, जो कि इस टाइम बहुत ही बुरे हालातों में है, मतलब कि उसके डैड भी नहीं है इसलिए वो अकेले ही रहती है एंड अपने सभी खर्चे भी खुद उठाती है छोटी मोटी जॉब्स करके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जाकर देख कर आओ कि कैरी ठीक है कि नहीं, मतलब कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं या फिर वो इस टाइम किसी मुसीबत में तो नहीं है, ताकि फिर हम उसकी मदद कर सकें। जिस काम के लिए कनादे मान जाता है और बोलता है कि आप टेंशन मत लो डैड, मैं आपका काम कर दूंगा। और फिर नेक्स्ट डे कनादे अपने दोनों मिनिस्टर्स के साथ कैरी के स्कूल पहुंचता है, जहां जब जैसी कनादे अपनी एक्सपेंसिव कार से उतरता है तो उसे देख सभी गर्ल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि कनादे और उसके दोनों मिनिस्टर्स ने जो स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी वो थी रॉयल फोनिक्स एकेडमी की थी, मतलब कि वो स्कूल जो जापान का सबसे बड़ा स्कूल है जिसमें सिर्फ रिच स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं। वेल, अब क्योंकि कनादे ने अपने दोनों मिनिस्टर्स को उसके यहाँ आने का रीजन नहीं बताया था, इसलिए जब जैसे ही वो कनादे से उसके यहाँ आने का रीजन पूछते हैं तो वो उन दोनों को बताता है कि वो यहाँ कैरी नाम की लड़की को देखने आया है, क्योंकि वो उसके डैड के फर्स्ट लव की बेटी है। जिस बात को जानकर ये दोनों हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि अच्छा तो फिर तुम जरूर उस लड़की की हेल्प करने आए होंगे। बट इस बात पर कनादे फिलहाल कोई रिप्लाई नहीं देता। वेल, अब क्योंकि सभी गर्ल्स इन तीनों प्रिंस को पागलों की तरह घूरे ही जा रही थी कि तभी जैन सामने खड़ी तीन लड़कियों से कैरी की लोकेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो उन्हें कैरी की लोकेशन बता देती हैं। तो जब जैसी ये तीनों उन तीनों लड़कियों को थैंक्स बोलते हैं तो ये सुन वो तीनों लड़कियां वहीं बेहोश हो जाती हैं।
जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये तीनों प्रिंस कैरी से मिलने उसकी लोकेशन पर जा रहे होते हैं, जहां रास्ते में कनादे जैन से बोलता है कि जब हम कैरी से मिले तो तुम उसकी वीडियो बना लेना ताकि एज ए प्रूफ के तौर पर मैं वो अपने डैड को दिखा सकूं। क्या तभी फिर इन तीनों की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि बहुत ही प्यार से एक प्रिंसेस की एक्टिंग करते हुए ये सब लाइन्स बोल रही होती है कि यू आर माई लवली प्रिंस, यू आर माई आइडल प्रिंस, यू आर माई एवरीथिंग। जिन वर्ड्स को सुन कनादे वहीं स्टॉप हो जाता है और फिर बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ उस लड़की को देखने लग जाता है, क्योंकि कनादे को वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। कि तभी शूटिंग का डायरेक्टर कनादे और उसके मिनिस्टर्स के पास आकर बोलता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ शूटिंग चल रही है, इसलिए चलो जल्दी से साइड में हटो। जिस पर शिचारो बोलता है कि हम कैरी नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं, क्या आप उसे जानते हो? जिस पर वो डायरेक्टर बताते हैं कि यही तो वो लड़की है, मतलब कि कैरी। तो ये सुन कनादे हैरान हो जाता है और फिर साइड में खड़े होकर कैरी की परफॉर्मेंस देखने लग जाता है, क्योंकि कैरी की मासूमियत देखते देखते कनादे को कैरी से पहली नजर वाला लव हो चुका था, इसलिए वो अपने दिल पर हाथ रख बोलता है कि यही है वो लड़की जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था, मतलब कि मेरी प्रिंसेस, और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि शूटिंग खत्म होने के बाद कनादे अपने दोनों मिनिस्टर्स के साथ छुप छुप के कैरी का पीछा करने लग जाता है, जिसे ऐसा करता देख वो दोनों बोलते हैं कि हम प्रिंस कम बल्कि गली के गुंडे ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए अगर आप बोलो तो हम कैरी को रुकाकर उससे बात कर सकते हैं। बट कनादे उन दोनों से ऐसा करने से साफ मना कर देता है और बल्कि छुप छुप के कैरी को फॉलो करता जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब कैरी किसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब कर रही होती है तो वहाँ भी कनादे कैरी को छुपके ही देखता है, क्योंकि उसे कैरी को देख देख कर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। और फिर घर आने के बाद भी कनादे पूरा टाइम बस कैरी की उसी वीडियो को देखता जाता है जो उसने जेंट से रिकॉर्ड करवाई थी, और फिर बोलता है कि ये कितनी क्यूट है ना, देखो कैसे डांस कर रही है, कितने अच्छे वर्ड्स बोल रही है। जिसकी इन सभी बातों का जैन सपोर्ट करता है और बोलता है कि हाँ वाकई में ये लड़की बहुत प्यारी है, एकदम प्रिंसेस की तरह। बट सिचारो कहता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब कि ये नॉर्मल सी लड़की हमारी प्रिंसेस कैसे बन सकती है। जिस पर कनादे बोलता है कि इसे नॉर्मल मत कहो, क्योंकि अब ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मतलब कि ये मुझे बिल्कुल अपनी मॉम की तरह लग रही है, इसका हंसना बोलना सब कुछ जैसे मेरी मॉम ने दूसरा जन्म लिया हो। और फिर अपनी मॉम की फोटो के पास आकर अपनी मॉम को भी कैरी की फोटो दिखाता है, ये बोलते हुए कि मॉम मुझे आपकी बहू मिल गई, मतलब कि मेरा पहला और सच्चा प्यार। और वहीं बाहर जैन सिचारो से कनादे की मॉम के बारे में पूछता है कि कनादे अपनी हर बात पहले अपनी मॉम से ही क्यों शेयर करता है, जिस पर सिचारो जैन को बताता है कि इसलिए क्योंकि कनादे को उसकी मॉम ने ही पाल पोस के बड़ा किया था, वो भी कनादे के डैड से दूर रह के, क्योंकि कनादे के डैड वैसे तो काइंड है बट उनका दिल आए दिन हर एक दूसरी लड़की पर आ जाता है, जिस वजह से वो कनादे की मॉम को भी कई बार चीट कर चुके थे। तो फिर इसी वजह से कनादे की मॉम ने कनादे को अकेले पाला ताकि वो बिल्कुल भी अपने डैड की तरह ना बन सके, और इसीलिए कनादे की मॉम ने कनादे को सभी मैनर सिखाए जिसमें वो गर्ल्स की रिस्पेक्ट कर सके और कभी उनका दिल ना तोड़े और ना ही कभी उन्हें चीट करे। मतलब कि कनादे की मॉम कनादे को एक परफेक्ट आइडल प्रिंस बनाना चाहती थी, और फिर ऐसा हुआ भी। मतलब कि अब कनादे बिल्कुल वैसा प्रिंस बन चुका है जैसा कि उसकी मॉम उसे बनाना चाहती थी। बट अफसोस कनादे की मॉम कनादे के प्राइमरी स्कूल डेज में ही गुजर गई थी, बट जाने से पहले उन्होंने कनादे को एक एग्रीमेंट दिया था जिसमें लिखा है कि कनादे कभी किसी लड़की की आंखों में आंसू नहीं आने देगा और उसी लड़की से शादी करेगा जो उसका फर्स्ट लव होगी, और साथ ही साथ कनादे की प्रिंसेस ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा सिर्फ उसे ही लव करे। इसलिए तभी तो कनादे कैरी के उन सभी वर्ड से इम्प्रेस हो गया जब वो प्रिंसेस बनके अपने प्रिंस के लिए बोल रही थी। जिन बातों को सुन जैन हैरान होता है कि तभी फिर सिचारो बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं इतनी आसानी से प्रिंस कनादे को बेवकूफ नहीं बनने दूंगा, मतलब कि मैं उस कैरी नाम की लड़की के बैकग्राउंड के बारे में सब पता लगा लूंगा कि वो प्रिंसेस बनने के लायक है भी के नहीं। जिसको इतने गुस्से में देख जैन हैरान होता है क्योंकि उसे तो कैरी में कोई बुराई नहीं दिखी थी। जिसके बाद फिर नेक्स्ट है हम देखते हैं कि सिचारो कैरी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद कनादे को बताता है कि मैंने कैरी के बारे में सर्च किया जिससे मुझे पता चला कि
वो बहुत ही ज्यादा गरीब लड़की है, मतलब कि इतनी ज्यादा कि वो अपना खर्च चलाने के लिए कभी रेस्टोरेंट में जॉब करती है तो कभी कन्वीनियंस स्टोर में क्लीनिंग। तो ये सुन कनादे बोलता है कि मेरे डैड ने ऑलरेडी मुझे उसकी कंडीशन के बारे में सब बता दिया था, हाय मेरी गरीब प्रिंसेस कितनी मेहनत करती है। तो इस पर जैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल सिंड्रेला की तरह, बट सिचारो अब भी कैरी की बुराइयां करना बंद नहीं करता और बोलता है कि मैंने लोगों से पूछा उसके बारे में और उन सभी ने मुझे बताया कि कैरी कभी स्माइल नहीं करती और ना ही वो काइंड है, मतलब कि वो जो रेस्टोरेंट में हंस रही थी वो सिर्फ पैसों के लिए था ताकि उसे अच्छी सैलरी और टिप मिल सके, एंड साथ ही उसने वो जो सब डायलॉग्स बोले थे वो भी उसके खुद के वर्ड्स नहीं थे बल्कि उससे ऐसा बोलने के लिए डायरेक्टर ने कहा था। बट कनादे सिचारो की एक नहीं सुनता और बोलता है कि कैरी मेरी डेस्टिनी है जो सिर्फ मेरे ही नसीब में लिखी है, जिसको मैं पाकर ही रहूंगा। और फिर कैरी से मिलने खुशी खुशी उसके स्कूल जाने लगता है, जिसको सिचारो रोकने की बहुत कोशिश करता भी है बट वो रुकता नहीं क्योंकि कनादे के दिल और दिमाग में सिर्फ कैरी ही चल रही थी। और फिर कनादे कैरी के स्कूल पहुंचकर वहां अपनी कार में बैठ के कैरी के आने का वेट करने लग जाता है, जहां जब जैसी बहुत इंतजार करने के बाद उसको कैरी आती हुई दिखती है तो ये देख कनादे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बट कैरी कनादे को देख दूसरी साइड से जाने लगती है क्योंकि उसे क्या पता कि ये सभी लोग उसी का वेट कर रहे थे, जिस आवाज देकर कनादे रोकता है और फिर उसको अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है कि मैं प्रिंस सुजाकू कनादे हूँ जो कि कल से तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए था क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई हो। और फिर अपने घुटनों के बल बैठकर बोलता है कि क्या तुम मेरी प्रिंसेस बनोगी। जिस बात को सुन बस फिर होना क्या था, वहां खड़े सभी लोग बहुत जोर से शोर मचाने लगते हैं एंड कैरी बहुत ही ज्यादा नर्वस होकर अपने चीक्स भींचती है और फिर कहती है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मतलब कि मैं वो लड़की नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हो। और फिर वहां से जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे कनादे भी आता है और उससे बोलता है कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही, मतलब कि तुम वही लड़की हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। मेरे डैड ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है क्योंकि तुम मेरे डैड के फर्स्ट लव की बेटी हो, इसलिए मैं कल तुम्हें यहाँ तुम्हारे स्कूल में देखने आया था, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। और फिर रुक कर कहता है कि तुम मेरी डेस्टिनी हो। तो ये सुन कैरी रुक जाती है और पूछती है कि ये क्या होता है, जिस पर कनादे उसे समझाता है कि मतलब कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो। तो ये सुन कैरी हंसने लग जाती है और फिर बोलती है कि तुम अभी तक फेरी टेल्स की दुनिया में जी रहे हो। और फिर कनादे का कॉलर पकड़ उससे बोलती है कि तुम फैंटेसी मैन, मुझे अपनी इस डेस्टिनी में इन्वॉल्व मत करो। और फिर धक्का देकर कनादे को नीचे गिरा देती है, जिसे ऐसा करता देख कनादे के दोनों मिनिस्टर्स कनादे के पास आते हैं एंड देन कैरी बोलती है कि तुम एक बास्टर्ड प्रिंस हो, दोबारा यहाँ दिख मत जाना वरना मुंह तोड़ दूंगी। और फिर इतना बोल वहां से चली जाती है, जिसकी इस हरकत पर कनादे के मिनिस्टर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं एंड बेचारा कनादे शॉक हुआ वह नीचे ही बैठा रह जाता है कि तभी हम देखते हैं कि इन सभी को छुपकर एक आदमी देख रहा होता है जो कि कैरी के स्कूल का चेयरमैन है। और फिर वो अपने सेक्रेटरी से इन तीनों लड़कों के बारे में पूछता है कि ये कौन है, जिस पर वो बताता है कि ये द रॉयल फोनिक्स एकेडमी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से एक का नाम है प्रिंस कनादे और वो दो बाकी उसके मिनिस्टर्स हैं। जिस बात को जानकर चेयरमैन खुश हो जाता है और फिर बोलता है कि तो फिर अब बहुत ही मजा आएगा। जिसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि कनादे अपने मिनिस्टर से बोलता है कि हाँ मैं गलत था, मतलब कि ये लड़की मेरी प्रिंसेस कभी नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज और रूड है, जिसकी लैंग्वेज भी एकदम वल्गर है। तो इस पर कनादे का राइट हैंड यानी सिचारो बोलता है कि देखा मैंने तो आपसे पहले बोला था कि ये लड़की आपकी प्रिंसेस बनने के लायक नहीं, पर तब आप मेरी बातों का यकीन कर ही नहीं रहे थे। और फिर वो कैरी की वीडियो दिखाते हुए बोलता है कि अब आप कभी फिर से ऐसी लड़कियों की फेक स्माइल देखकर बेवकूफ मत बन जाना। जिस वीडियो को देखकर कनादे गुस्से से बहुत बुरे बुरे मुंह बनाने लगता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के एक और मेन करेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है सानो, जो कि हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाया गया है एंड ये कैरी के स्कूल का स्कूल काउंसलर है। पर इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसे लोगों के नाम याद नहीं रहते, जिस वजह से अक्सर इसकी लोगों के सामने इंसल्ट हो जाती है। पर ये काफी रिच और गुड लुकिंग होने की वजह से गर्ल्स में बहुत ही ज्यादा फेमस है।
कि तभी वहां सानो का चमचा आता है जिसका नाम है मैंडी, जो कि सानो को बताता है कि बॉस आपके लिए एक बिग न्यूज़ है। और फिर वो अपनी टीम के मेंबर का मुंह खोलता है जिसका नाम है चिन बॉय, क्योंकि इसकी चिन कुछ ज़्यादा ही लंबी है, जो कि सानो को बताता है कि आज स्कूल में प्रिंस कनादे आया था। जिस बात को जानकर सानो हैरानी से पूछता है कि क्यों मुझसे मिलने, तो इस पर वो बताता है कि नहीं बल्कि कैरी नाम की एक लड़की से मिलने। तो ये बात जानकर सानो हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैरी नाम की लड़की है कौन जिससे इतना बड़ा प्रिंस यानी कनादे मिलने आया था। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है जहां हम अब एक हतोरी नाम के पर्सन को देखते हैं, मतलब कि स्कूल के चेयरमैन का सेक्रेटरी। वेल वो कैरी को रोक उससे पूछता है कि तुम्हारा प्रिंस कनादे के साथ क्या रिलेशन है, जिस पर कैरी कहती है कि मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है बल्कि मैं उन्हें जानती तक नहीं, वो किसी और से मिलने आए थे और गलती से मुझसे टकरा गए। और फिर तबोल वहां से चली जाती है। बट हतोरी को कैरी की इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो खुद से बोलता है कि मुझे इस कैरी नाम की लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब कनादे वापस अपने घर आता है तो वहाँ वह सिचारों की तारीफ करते हुए बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही थे, मतलब कि मुझे तुम्हारी बात मानकर कैरी के पास नहीं जाना चाहिए था, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। जिस बात को सुन सिचारो खुद पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करने लग जाता है। और फिर हम सभी को बताता है कि वो चाइल्डहुड टाइम से कनादे के साथ है, मतलब कि वो कनादे को बहुत अच्छे से समझता है और उसकी सभी चीज़ों का ख्याल भी रखता है। और बताता है कि सिर्फ मैं कनाडे का फर्स्ट मिनिस्टर हूँ, मतलब कि मेरे बाद कनाडे की टीम में बहुत सारे मिनिस्टर्स आए और गए पर कोई भी मेरी जगह नहीं ले पाया, मतलब कि मैं हमेशा से कनाडे का राइट हैंड बन के ही रहा हूँ। पर कनाडे सिर्फ एक सेलिब्रिटी है, मतलब कि उसमें बिल्कुल भी वो नॉलेज नहीं जो एक प्रिंस में होनी चाहिए, इसलिए मैंने कनाडे के खातिर सभी बुक से नॉलेज लेकर खुद को इस काबिल बनाया ताकि मैं उसे हमेशा अच्छी एडवाइस देकर उसे मुसीबत में पड़ने से बचा सकूं। जिसके बाद फिर अब जैन हमें अपने बारे में बताता है कि मैंने बस एक साल पहले ही कनादे की टीम को ज्वाइन किया था और बस इसी एक साल में मैं अपनी ऑनेस्टी की वजह से कनादे का लेफ्ट हैंड बन गया। पर अब मेरी नज़र सिचारो की पोजीशन पे है, मतलब कि मैं सिचारो को उसकी फर्स्ट मिनिस्टर की पोजीशन से हटाकर खुद कनादे का राइट हैंड बनना चाहता हूँ। और फिर फुल कॉन्फिडेंट से बोलता है कि देखना मैं बहुत जल्द कनादे का राइट हैंड बन भी जाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ कनादे का भला चाहता हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब कनादे अपनी मॉम की फोटो के पास आकर उनसे माफी मांगने लगता है कि मैं बहुत ही स्टूपिड था जो मैंने कैरी जैसी नकचड़ी लड़की को बिल्कुल आपके जैसा मान लिया था, जबकि वो आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं और ना ही अब मैं उसे अपनी प्रिंसेस बना सकता हूँ। कि तभी कोई वहाँ आकर कनादे को बताता है कि उसके डैड उससे बात करना चाहते हैं। जिसके बाद फिर कनादे अपने डैड को कैरी की वीडियो मुंह बनाते हुए दिखाने लगता है, तो उसे देख वो बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है, मतलब कि क्यूट और बोल भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह रही है, इसलिए नेक्स्ट टाइम तुम इसको यहाँ मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आना। जिस बात को मानने से इस बार कनादे साफ मना कर देता है और बोलता है कि इस लड़की से मिलना तो दूर, मैं इसके पास जाऊं भी नहीं। बट कनादे के डैड कनादे की एक नहीं सुनते और अपनी मीटिंग में जाने से पहले कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरा काम कर दोगे, इसलिए प्लीज मुझे निराश मत करना। और फिर वहां से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद कनादे बोलता है कि ये अच्छी जबरदस्ती है, जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उस खड़ूस लड़की से दोबारा नहीं मिलना तो फिर आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो। बट अब क्योंकि कनादे के डैड तो जा चुके थे इसलिए कनादे को उनकी बात माननी ही पड़ती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब कनादे को मजबूरन अपने डैड के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर फिर से कैरी से मिलने जाना पड़ता है ताकि उसके घर के हालात देखकर वो अपने डैड को बता सके। जहां जब जैसे ही वो कैरी की बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो उसे हैरानी से देखते हुए बोलता है कि क्या ऐसे भी घर होते हैं, मतलब कि कितने छोटे छोटे हैं। और फिर कैरी के घर के बाहर लगे लेटर बॉक्स को भी देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होने लग जाता है कि वाओ छोटे लोग यहाँ से अपने लेटर पिक्स करते हैं, ये बॉक्स कितना क्यूट है। कि तभी कैरी के बराबर वाले रूम से एक लड़का बाहर निकल के आता है जिसका नाम है हारू, जो कि कैरी का पड़ोसी है, जो कि इन तीनों को कैरी के घर के बाहर खड़ा देख उनसे पूछता है कि तुम तीनों कौन हो। जिस पर वो तीनों बताते हैं कि हम यहाँ कैरी से मिलने आए हैं, क्या तुम भी उसे जानते हो। जिस पर हारू बोलता है कि हाँ वो मेरी है, मतलब कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ।
तो ये सुन वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं। और अब इससे पहले कि कनादे कुछ कह पाता कि तभी कुछ गर्ल्स हारू को वहाँ बुलाने आ जाती हैं, जिनके पास जाने से पहले हारू पीछे मुड़कर उन तीनों से बोलता है कि अगर कैरी के ऊपर गंदी नजर डाली तो तुम तीनों की आंखें निकालकर जान से मार दूंगा। और फिर खुशी खुशी कूदता वो अपनी फ्रेंड्स के पास चला जाता है। पर उसकी इन बातों से ये तीनों काफी हैरान थे कि तभी कैरी घर से बाहर आती है, जिसे देख कनादे मुंह बनाने लग जाता है। एंड सी चारों कैरी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर कैरी साफ मना कर देती है। और फिर उन तीनों के वहाँ होने का रीजन पूछती है कि वैसे तुम यहाँ कैसे, कहीं तुम गुंडों की तरह मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो। जिस बात को सुन कनादे भड़क जाता है और बोलता है कि क्या मेरे जैसा इतना फेमस प्रिंस तुम्हें कोई गुंडा मवाली दिख रहा है, मिस खुद पर इतना घमंड भी मत करो। और फिर बताता है कि हम बस वॉक करते हुए जा रहे थे तो गलती से यहाँ आ गए। पर फिर बातों बात में खुद सच बता देता है कि मेरे डैड ने जबरदस्ती मुझे यहाँ तुम्हारी सिचुएशन देखने के लिए भेजा था, वरना मैं यहाँ कभी ना आऊँ। जिस बात को सुन पहले तो कैरी हैरान होती है, पर फिर वो उन तीनों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है, ये कहते हुए कि मेरे पास तुम लोगों की बकवास सुनने का टाइम नहीं। जहाँ जब जैसी पैर फिसल जाने की वजह से कैरी गलती से नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी कनादे कैरी का हाथ पकड़ उसे बचाने के चक्कर में उल्टा खुद कैरी के ऊपर गिर जाता है, जिससे इन दोनों के बीच किस हो जाती है। तो ये देख कैरी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और फिर जल्दी से पीछे होकर अपने चिक्स को भीजते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद कनादे हैरानी से पूछता है कि क्या ये मेरी फर्स्ट किस थी, जिस पर जैन बोलता है कि हाँ, बट सिचारो घबराकर बोलता है कि नहीं, मतलब कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो फिर कनादे भी इसे एक्सीडेंट समझकर अपनी कार में बैठ जाता है। बट सुचारो का ये सब बिहेवियर जैन को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो सुचारो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सुचारो पूछता है कि मतलब। तो इस पर जैन बोलता है कि उस लड़की ने अभी तुम्हारे सामने कनादे को किस की। तो इस पर सुचारो पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर जैन कहने लगता है कि कुछ नहीं और फिर जल्दी से कार के अंदर बैठ जाता है। पर अब उसकी इन बातों से सुचारो समझ जाता है कि जैन को उसका राज पता चल चुका है। जिसके बाद फिर हम अब सिचारो को देखते हैं, जिसने जैन को बात करने के लिए अपने पास बुलाया होता है। बट उसके आने से पहले वो हम सभी को बताता है कि वो कैरी को कनादे से क्यों दूर करना चाहता है, क्योंकि वो खुद कनादे को पसंद करता है। और बताता है कि जब मैं एक दिन कनादे को ब्रेकफास्ट के लिए उठाने उसके रूम में गया तो वहाँ मैंने गलती से कनादे की बॉडी देख ली थी, जिसे देख मुझे पता नहीं क्या हुआ। और फिर तब मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चला कि मैं कनादे को पसंद करता हूँ, पर मैं ये बात कभी कनादे को पता नहीं चलने दूंगा, मतलब कि ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा पर कभी बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब कि सिचारो गे है। कि तभी जैन भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख सिचारो पूछता है कि तुम्हें मेरा सीक्रेट पता है ना, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बात तो मैंने आज तक किसी को पता नहीं चलने दी। जिस पर जैन बोलता है कि शक तो मुझे तुम पर बहुत पहले से था कि तुम कनादे को पसंद करते हो, पर ये शक सच में मेरा तब बदला जब मैंने नोटिस किया कि तुम कनादे और कैरी को दूर करने की किस हद तक कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम उन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील होते हो। तो ये सुन सिचारो हंसने लगता है और फिर चिढ़कर बोलता है कि हाँ यही बात है, बट कनादे और मेरा रिलेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई चाहकर भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी नजर मेरी पोजीशन पे है। तो इस पर जैन कहता है कि हाँ सही कहा, मेरी शुरू से नजर तुम्हारी फर्स्ट मिनिस्टर की पोजीशन पे है, क्योंकि मैं तुम्हें हटाकर खुद कनादे का फर्स्ट मिनिस्टर बनना चाहता हूँ और यही मेरा ड्रीम है। और देखना, मैं बहुत जल्द कनादे का फर्स्ट मिनिस्टर बन भी जाऊंगा और साथ ही अब मैं कनादे और कैरी को पास लाने की पूरी पूरी कोशिश भी करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रिंस कनादे उस लड़की को दिल से पसंद करते हैं, पर तुम अपनी फीलिंग्स के चक्कर में उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज नहीं आने दे रहे हो। जिस पर सिचारो बोलता है कि ठीक है, तो फिर देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं कनादे बार बार अपनी फर्स्ट किस के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि उसको बार बार कैरी की किस वाला ही इंसिडेंट याद आ रहा होता है कि कैसे उन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो गई थी, जिस वजह से कनादे यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि आखिर मैं इस लड़की को भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ। और बस फिर इसी के साथ पार्ट वन यहीं पर एंड हो जाता है।
For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.